91.9 फ्रेंड्स एफएम का नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस बार बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ बैरकपुर एयर फोर्स स्टेशन से। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त स्टूडेंट्स आए हुए हैं और यहाँ पे इस वक्त आप एयरक्राफ्ट को भी देख सकते हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है जो मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके। थैंक्स कहना चाहूँगा मैं इंडियन एयरफोर्स का, साथ ही साथ बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन का, जिन्होंने मुझे और फ्रेंड्स एफएम को मौका दिया। एक्सक्लूसिव आप इंटरव्यूज़ देख रहे हैं ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, आप बिल्कुल लाइव हमें इस वक्त देख रहे हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। वेल, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन स्टेशन कमांडर एसी परांदेकर, उनके साथ हमारी बातें होने वाली है। उनसे हमें बहुत कुछ जानना है। आज यहाँ पे सुबह से ही बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वॉर्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। 40 लाख से ज्यादा लोग आपको इस वक्त हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। उन सभी की ओर से मैं इंडियन एयरफोर्स को बधाई देना चाहूंगा, सल्यूट करना चाहूंगा। 85 ईयर्स से हम कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? दिस इज 85th एयरफोर्स डे एंड टू कमेमोरेट दिस वी हैव हेल्ड वेरियस इवेंट्स। वन ऑफ द इवेंट्स यू कैन सी the children from various schools have visited us. This is to show them how the Air Force functions and motivate them to join. And Air Force has contributed immensely both in peace and war. This base also has contributed whenever we have been called upon, be it of Maitri in Nepal or in Uttarakhand tragedy or recently during the Midnapur flood relief. So I'm sure all the air warriors will continue to work hard and live up to the motto of touch the sky with glory. Thank you. बिल्कुल सर, मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन की अगर हम बातें करें तो कल बहुत सारे एक्टिविटीज हुए, सोशल एक्टिविटीज हुए, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप और स्वच्छ भारत एक्टिविटी का भी शामिल हुए थे। सर, इसके बारे में अगर बता दें। ब्लड डोनेशन कैंप कल ऑर्गेनाइज किया था एंड वी गॉट लॉट ऑफ रिस्पॉन्स, लॉट ऑफ पीपल डोनेटेड ब्लड। The second thing is Swachh Bharat, in my opinion, is associated very closely to the flight safety also. Because in case you keep the surroundings clean, the birds don't get attracted. And any aircraft which is flying in air, in case it strikes a bird, then we lose precious aircraft resource which is available to us. And that's why we organize Swachh Bharat campaign. Within station, definitely we keep it very clean. But it's supposed to increase the awareness amongst people who are staying in close by places. And our air warriors went to these places and ensured that everyone is made aware of this fact and keep the areas clean so that the birds are not attracted, and it helps us in maintaining the aerospace safety. Thank you so much, sir. My sir, baatein karne ke liye all the best. Jai Hind. Thank you so much, sir. Nice meeting you. Thank you so much. Well, आपको बताना चाहूंगा इस वक्त बैरकपुर एयरफोर्स स्टेशन में हम हैं। अब यहाँ से अब हमें निकलना है क्योंकि कल भी बहुत अच्छी पानागर स्टेशन में एक इवेंट होने वाली है, उसको भी हम कवर करने वाले हैं। आप सुबह से ही मुझे ऑफिशियल फेसबुक पे देख पाएंगे और यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकें कि एयरक्राफ्ट जो है वो इस वक्त है यहाँ पे, इस वक्त बढ़ रही है। वेल, जाते जाते मैं एक बार फिर से बातें करना चाहूंगा विंग कमांडर मिस्टर बिरदी के साथ और उनसे हम लास्ट में जाते जाते बात करेंगे। बिरदी सर, जाते जाते हमें काफी अच्छा लगा यहाँ पर आके। थैंक यू सो मच एक बार फिर से। आपको कहना चाहूंगा, पूरी टीम को कहना चाहूंगा, इंडियन एयरफोर्स टीम को, कुछ सर हमें बता चाहेंगे कल क्या हम प्लान रखते हैं, अगर कुछ आप बताएं। Thank you, Animesh. To start with, and I must thank the team from Friends FM who have been with us. हमें भी बहुत अच्छा लगा, एंड जैसा कि आप लोगों ने इतना अच्छा कवरेज किया है और बच्चों में जो एक्साइटमेंट था कि दे आर यू नो गोइंग, दैट अगेन इज ओनली थ्रू इनवाइट टू आई एम श्योर फ्रेंड्स FM एज इट इज विल बी देयर अलॉन्ग विद सम अदर मीडिया पीपल। तो यू कैन अगेन रीच आउट टू द पीपल ऑफ कोलकाता Tomorrow again from Panagar. Thank you so much, sir. My sir, baatein karne. Thank you so much. Thank you. So, well, batao, abhi bhi bilkul live hoon aap sabhi ke liye is waqt Barrackpur Air Force Station se, aur bilkul live hame aapne dekha yahan pe is waqt celebration jo hai wo shuru ho chuki hai. Air Force Day celebration jo hai wo chal rahi hai, aur yahan par aake mujhe kafi acha laga. Ek hai mere liye lifetime ye ek experience raha hai. Abhi ke liye bas itna hi.